What is meant by patterns? Let us see. A day-to-day sequence of figures, shapes, letters or numbers is called a pattern. जो figure कुछ figures का numbers का letters का एक definite shape होता है, okay? और हम उसको क्या करते हैं? Extend करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, repeat करते जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? Pattern बोलते हैं, okay? So let us see some examples of pattern. Students, open the page number 173. Let's start our chapter. Patterns. Patterns are all around us. Patterns हमारे आसपास होते हैं, है ना? Observe the strips on the zebra and color the images given here. हमें क्या करनी है? ये जो strips है zebra की, ये क्या करने हैं? Observe करने हैं. और observe करके क्या करने हैं? ये जो strips है, इनको color करना है. Okay? Let's do. अब देखो ये जेब्रा की जो छोटी वाली स्ट्रिप है, यहाँ पे हम कलर करेंगे. ओके, ऐसे आपको हर एक स्ट्रिप क्या करना है? ऑब्जर्व करना है और कलर करना है. आप स्केच पेन से दो, मतलब ये कंफर्टेबल होगा. सो ऐसे आपको प्रॉपरली ऑब्जर्व करके ये जो जेब्रा के स्ट्रिप्स हैं, ये ड्रॉ करने हैं, कलर करने हैं. ओके, देन नेक्स्ट ये क्या बन गया है फिर स्टूडेंट्स? एक पैटर्न बन गया है ना, कि ये स्ट्रिप्स कहाँ पे है, ये एक स्ट्रिप कहाँ पे है ना. Observe the lines on the green leaf and draw lines in the given figure. ये जो green leaf है, इसके बीच में जो lines दी है, ये छोटी छोटी, ये देखो, ये हमें क्या करना है? Observe करना है और draw करनी है. Okay? तो हम try करते हैं, है ना? पहले ऐसी छोटी सी है, बाद में बड़ी बड़ी होती जा रही है, triangular shapes में, है ना? सो आपको भी क्या करना है? ये लाइंस ऑब्जर्व करके ड्रॉ करनी है. ओके, ये क्या हुआ? इस लीफ का पैटर्न हुआ. ओके, देन नेक्स्ट व्हाट कम्स आफ्टर डे? नाइट. एंड व्हाट कम्स आफ्टर नाइट? इट्स डे अगेन. ओके, सो स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से पता है कि डे के बाद क्या आती है? नाइट आती है ना? और नाइट के बाद क्या आता है? डे आता है. ओके, सो ड्रॉ वॉट शुड कम नेक्स्ट इन द सिक्वेंस बिलो. तो आपको क्या करना है? सिक्वेंस लगाना है कि आगे क्या आएगा. अब देखो यहाँ पे क्या है? सन है. ओके, और रात को नाइट को शो करने के लिए किसका पिक्चर दिया है? मून का. चंद्रमा रात में होता है ना, और सूरज दिन में. ओके, सो सूरज के बाद चंद्रमा आता है, चंद्रमा के बाद सूरज आता है. सो सूरज के बाद क्या आएगा? यस, चंद्रमा आएगा. मीन्स मॉर्निंग, नाइट. ओके, डे, फिर नाइट, फिर नाइट के बाद क्या आएगा? डे. ओके, सो अब देखो डे के बाद क्या आएगा? नाइट. सो यहाँ पे हम कौन सा पिक्चर ड्रॉ करेंगे? मून का. ओके, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे मून.
नाइट के बाद क्या आएगा? डे। सो डे को क्या होता है? सूरज होता है, तो यहाँ पे हमें सूरज निकालना है। ओके, और क्या करना है? इनको कलर करना है। अब हम पहले इसको कलर करते हैं। आपको भी प्रॉपरली कलर करना है स्टूडेंट्स। ओके, बिल्कुल खराब नहीं करना है इसे, आप इसमें कलर कर दो। ओके, देन हम सन को कलर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, डे के बाद क्या आता है? नाइट। एंड नाइट के बाद, यस, डे। व्हाट कम्स आफ्टर डे? नाइट। एंड व्हाट कम्स आफ्टर नाइट? डे। ओके, सो ये क्या बन गया? एक पैटर्न बन गया है ना, डे नाइट, डे नाइट, डे, लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 174। अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ फिगर्स, शेप्स, लेटर्स और नंबर्स इज कॉल्ड अ पैटर्न। पैटर्न किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? जो फिगर्स का डेफिनेट शेप, डेफिनेट सीक्वेंस हो, मतलब एक क्रम से लगाई जा रही हो, 1 2 3 4 नहीं, लेकिन एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, जहाँ पे एक प्रॉपर क्रम होता है, जहाँ पे उन शेप्स का, लेटर्स का, फिगर्स का, नंबर्स का क्या बनता है? एक पैटर्न बनता है। ओके, कैसे? देखो, रोहन इज मेकिंग अ पैटर्न ऑन अ चार्ट पेपर यूजिंग ग्रीन एंड पिंक बटन्स। रोहन ने क्या किया है? चार्ट पेपर पे एक पैटर्न बनाया है ग्रीन बटन्स और पिंक बटन्स का यूज करके। विच बटन शुड ही प्लेस नेक्स्ट, ग्रीन और पिंक? कलर द बटन्स एंड कंप्लीट द पैटर्न। अब देखो, ये पैटर्न हमें कंप्लीट करना है। ओके, सो एक सीक्वेंस होता है, पैटर्न मीन्स क्या? एक प्रॉपरली सीक्वेंस होता है, इसके बाद ये ही आएगा, उसके बाद वो ही आएगा, ऐसा लाइक दैट। ओके, सो रोहन ने बटन्स का सीक्वेंस लगाया है ना, सो हम ये पैटर्न को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। कैसे? देखो, पहले क्या है? ग्रीन बटन है। व्हाट कम्स आफ्टर ग्रीन? पिंक बटन। व्हाट कम्स आफ्टर पिंक बटन? ग्रीन बटन। व्हाट कम्स आफ्टर ग्रीन बटन? पिंक बटन। व्हाट कम्स आफ्टर पिंक बटन? यस, ग्रीन बटन। ओके, सो हम इसको ग्रीन कलर करेंगे। ग्रीन के बाद पिंक बटन आया, पिंक बटन के बाद ग्रीन बटन आया, ग्रीन बटन के बाद फिर से पिंक बटन आया, तो पिंक बटन के बाद फिर से क्या आएगा? यस, ग्रीन बटन आएगा, है ना? सो हम इसको कलर करेंगे। अब देखो, इसके बाद कौन सा बटन आएगा? यस, पिंक बटन आएगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमने बटन्स का पैटर्न क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। ओके, ग्रीन पिंक, ग्रीन पिंक, ग्रीन पिंक, ग्रीन पिंक। ओके, लाइक दैट। अब देखो, अब हमने क्या किया? ये पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। हाँ, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ये क्या है मेरे पास? येलो बीड है। ओके, देन ये ब्राउन बीड है। ओके, सो हमें इनका पैटर्न बनाना है। सो कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट कम्स आफ्टर ब्राउन बीड? यस, येलो, अगेन, देन अगेन ब्राउन, देन व्हाट कम्स आफ्टर ब्राउन? यस, येलो, एंड व्हाट कम्स आफ्टर येलो? यस, ब्राउन। सो ये क्या बन गया? इनका एक पैटर्न बन गया। ओके, अ डेफिनाइट सीक्वेंस ऑफ शेप्स। ओके, इन शेप्स का क्या बन गया? एक पैटर्न बन गया है ना, येलो के बाद क्या? ब्राउन, ब्राउन के बाद येलो, येलो के बाद ब्राउन, ब्राउन के बाद येलो, येलो के बाद ब्राउन, लाइक दैट। ओके, सो इसको क्या बोलते हैं? पैटर्न बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज आपको क्या करना है? टेक्स्ट बुक पेज नंबर
174 पे। ये जो बटन्स का पैटर्न हमें कंप्लीट करने को बोला है वो फिलअप करना है, साथ में टेक्स्ट बुक पेज नंबर 173 पे ये जो फिगर्स है इनको कलर्स करना है, जहाँ पे लाइंस डालने को बोला है वहाँ पे लाइंस डालना है। ये जेब्रा का भी पैटर्न आपको कंप्लीट करना है, ओके। सेम उसके स्ट्रिप्स प्रॉपरली ऑब्जर्व करो और ये कंप्लीट करो, ओके स्टूडेंट्स, बाय।